तो नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये डेफिनेशन है ससेप्टेबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का सिंबल है ये, इस सिंबल को बोलते हैं काई। काई आपको याद होगा जब कैपेसिटर खत्म किया था उसमें एक टर्म यूज की थी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, और इस डेफिनेशन के साथ हमने इसको खत्म किया था। बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम, जिस भी मटेरियल की काई की वैल्यू बहुत हाई होती है वो उतना ही मैग्नेटाइज हो जाएगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे लोहे को रखा, लोहा बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो काई लोहे का बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको फर्क ना पड़ता जब तुम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो उसका काई जीरो है, यानी कि वो नॉन मैग्नेटिक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का काई होता ही नहीं, तुम कितना भी फील्ड लगा लो उसका काई जीरो रहेगा। तो जो मटेरियल जितना मैग्नेटिक है काई की वैल्यू उतनी ही उसकी ज्यादा है। ये कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है आई डिवाइडेड बाई एच, ये काई की डेफिनेशन है। तो आई बाई एच को यूज कैसे करते हैं? मान लो आपके पास तीन चार मटेरियल है, एक आयरन, एक कॉपर, एक कोई और, एक और अलग अलग मटेरियल्स हैं। आपने सब में सेम एच अप्लाई किया, डिनोमिनेटर सबका क्या कर दिया आपने, सेम, तो एच की वैल्यू सेम अप्लाई की ताकि वो सब मैग्नेट बन जाएं। लेकिन आपने देखा जो मटेरियल वन है उसमें तो आई की वैल्यू कितनी डेवलप हुई, आठ, नेक्स्ट में छः, नेक्स्ट में चार, नेक्स्ट में दो, यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई करके कोई ज़्यादा मैग्नेट बन गया, कोई कम बन गया, कोई कम और कोई कम बना। तो ये काई की वैल्यूज आ गई सबकी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो जिसका काई सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मैग्नेट बना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये कम और ये कम। तो समझ में आ रहा है कि काई कैसे यूज़ करते हैं? तो आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जिसमें 100 किस्म के मटेरियल्स हैं और आप उसमें सेम एच अप्लाई करके ये देख लेते हैं कौन काई की वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है और किसकी कम आ रही है, जो बता देता है कौन कितना मैग्नेट है, कौन कितना मैग्नेट नहीं है। तो समझ में आ रहा है काई का फॉर्मूला आई बाई एच। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी।